हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यासीन फर्नीचर न्यूयॉर्क में आपका स्वागत है। चलो हम आज बताएंगे मॉडुलर किचन के बारे में, हमने किस तरह फिटिंग किया है, किस तरह आता है और उसका साइज़ क्या है और जो डीप में क्या आता है, चौड़े में कितना साइज़ आता है, हम पूरा इस वीडियो में बताएंगे। आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरू करते हैं। हमने WPC में बनाया है, पूरा ढांचा हमने WPC में किया है, प्लाई में नहीं, क्योंकि ये पानी लग के ख़राब होने की वजह से हमने पूरा WPC में किया है। आप देख सकते हैं वाइट टक्कर, ये 19mm में हम WPC में किया है। अब ये देख सकते हैं हम ये बॉटल के वास्ते 6 इंच का गला छोड़ा है, 6 इंच बाई 20 इंच का टेंडम बॉक्स बैठेगा। इसमें हमने 3 फिट वही 20 इंच का गाला आपको छोड़ा है, कम से कम 22 इंच तो हमको डीप लेना है। ये बाजू वाले में भी हमने करके 15-15 इंच का दो लिया है, 15-15 इंच के दो बैठेंगे इसमें, सेम लिया है डीप भी। ये भी हमने 22 इंच डीप लिया है, चैनल 20 इंच। ये लास्ट वाले में भी आपको सेम मिलेगा, इस पर 3 सेक्शन आएंगे, आप देख सकते हैं। ये ऊपर पूरे चैनल फिटिंग करके आना पड़ेगा, इधर अंदर से आपको थोड़ा बहुत गैप रहेगा क्योंकि हमको डीप ज़रा ज़्यादा ही रख लेना है, 22 इंच हमको रखना है। ये टेंडम चैनल 20 इंच का है। चलो मैं आपको बताता हूँ ये कैसा फिटिंग है। जी आप देखिए, खुलेगा ऐसे, ये ढकलने के बाद अंदर स्लो मूवमेंट होगा। ये बॉक्स पर हमने ये बिठाया था, ये इसके अंदर बैठेगा। आपको ये दिख रहा है खाचा, ये खाचा अंदर ही जाएगा, क्लिप ऊपर करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे हम, इसको ऊपर से दबा के अंदर से उसको ऐसा आवाज आना हो, ये अंदर थोड़ा सेट होगा। अभी देखिए बिठाए, अभी इसमें नीचे 19mm का शीट आएगा, अभी इसमें हमको 19mm का शीट डालना है, पीछे भी 19mm का सपोर्ट देना है, पीछे सपोर्ट आएगा, सपोर्ट भी आएगा। जब ये पूरा फाइनल होगा इसके अंदर ये सामने का क्लिप बैठेगा, और देखिए ये जो क्लिप है इसके अंदर बैठेगा, ये हमको इसके अंदर डालना रहेगा। यहाँ पे डाल के यहाँ पे उस स्क्रू का सेटिंग रहेगा, इसका ऐसा जोर से ये अंदर प्लेस करना है जोर से, तो ये अंदर जाके बैठ गया। देखिए सामने का मूवी को हमने लेवल करना है पूरा एक जैसा, हम इसी तरह पूरे टेंडम बॉक्स चैनल उठाए। इसमें 3 आएंगे, 3 टेंडम चैनल बॉक्स आएंगे, एक ऊपर हमने 4 इंच का लिया है, फिर 4 इंच नीचे 8 इंच का लिया है, इसमें भी हमने 2-2 करके लिया है। अभी इसमें देखिए ये जो गाला है बड़ा साइज रखा है हमने, बड़ा जो भी आपका आइटम है इसमें आएगा। ये नीचे आपको ये इसकी फिलाई है, हमने इसको कट किया है, आप देख सकते हैं साइड से हमने खाचा कट किया है, 1 इंच हमने कट किया है। 16mm का ये गेज आता है हमारा, आगे पीछे डिक्लेम लग के जो प्लाई का जो साइज़ है 20mm हो जाता है, तो हमको 2 डोरी कम करना पड़ेगा, पीछे से खाचा मारना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखिए मैंने एक तरफ खाचा मारे हुआ है, ये दूसरा 16mm का हम इसको कट कर देंगे, 2 डोरी कट हो जाएगा ये पूरा। देखिए कटर मशीन से मैं कट कर रहा हूँ, ये ऐसा कट हो गया है। हम ये 2 डोरी पीछे से इसका एक पदर निकाल लेना है। मैं कटर मशीन को 16mm का गेज भर लिया हूँ, आप भी ऐसा भन के कर सकते हैं। दूसरी साइड में काटता हूँ, सेम आपको ऐसी इसी तरह काटना है। काट के अब ये रेडी हो गया है, ये हमारा चैनल के अंदर बैठ जाएगा सीधी तरीके से। अब देखिए ये ऐसा बैठेगा, हम इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये उल्टा करने के बाद ये खाचा ऊपर आना मांगता है, ऊपर आने के बाद ये जो चैनल के खाचे में ये बैठेगा। अब देखिए ये चैनल है, चैनल को हम इसको उल्टा कर देंगे, पीछे से स्क्रू बैठेगा इसका खाचे में। देखिए इस तरह से आपको बिठाना है, ये खाचे में बिठाना है, ऊपर से स्क्रू इसको कस देना है, इसी तरह आपको दोनों साइड की फिट कर देना है। मैं जब तक स्क्रू इसको बिठा देता हूँ, आप देखिए वीडियो में बने रहिए आप।
मैं इसको स्क्रू बिठा देता हूँ। ये स्क्रू है 19 mm के स्क्रू आपको लेना है, 19-6 के। ये आपको ऐसा बिठा देना है, एक साइड में बिठाया, दूसरी साइड आपको बिठा के बताता हूँ। ये भी सेम तरीके से आपको बिठाना है, सामने से लेवल लेके इसको बिठा देना है। अब ये ध्यान दीजिए, सामने से लेवल लेके इसको बिठाना है। ऊपर से उसको भर देता हूँ पहले वाले चैनल के। अभी मैं ये साइड के बिठा देता हूँ, ये साइड के भी उसको आपको बिठा के बताता हूँ। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा चैनल में बैठने के हो जाएगा। आप देखिए, ये भी मैं इसको भी उसको भर देता हूँ पूरे। वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये कंप्लीट वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, हम इसको चैनल में बिठाने के वास्ते रेडी हैं। ये अभी इस तरह आपको चैनल में रखना है खाँचे में। इसको मैं पहले बाहर निकाल के बताता हूँ। देखिए ये चैनल हमने फिट किया था, इसके ऊपर ये प्लेट रखना है। प्लेट रखने के बाद अंदर इसको पुश करना है। पुश करने के बाद आपको पीछे ये खाँचा दिख रहा है दोनों की तरफ चैनल को, जाके उसमें फिक्स हो जाएगा। हम इसको ज़ोर से, ये जो क्लिप दिख रहा है क्लिप पर उठे हुआ है, हमको ये नीचे आना मांगता है। तो नीचे आने के लिए हमको ये अंदर पुश करना पड़ेगा। पुश होने के बाद ये नीचे क्लिप हो जाएगा, तो जब ये जाके सेट हो जाएगा इसमें। देखिए पूरा सेट हो गया है, अच्छी तरह से इसको जोर से प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करने के बाद हम इसको बाहर खींचते हैं। बाहर खींचने के बाद आप देखिए ये सेट हो गया है, बढ़िया है। ये भी एक बार अंदर इसको पुश करके आपको बताएंगे। आप देखिए स्लो मूवमेंट कर रहा है ये। सामने का भी, इसको सामने का भी प्लेट बिठाना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, हमने सेम ऐसी इसी तरह बिठाया है। अभी बाजू के भी हम ये बिठाएंगे, उसके प्लेट कट करके रखे हैं, सेम उसी तरह आपको बिठा के बताएंगे। अगर आपको वीडियो कंप्लीट देखना है ये वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।